नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा YouTube चैनल साउंड टेक पे, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है डीजे और साउंड सिस्टम से रिलेटेड बातें तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक जो है आहूजा की तरफ से वायरलेस डुअल चैनल का वायरलेस माइक, जिसका मॉडल नंबर है AWM490V2, जो कि डुअल चैनल का वायरलेस माइक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आहूजा, साथ में इसका ओरिजिनलिटी का यहाँ पर स्टिकर दिया गया है, साथ में इसका मॉडल नंबर दिया गया है जो कि है AWM490V2 डुअल PA वायरलेस माइक्रोफोन। साथ में कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है डुअल चैनल रिसीवर विद टू हैंडेड वायरलेस ट्रांसमीटर्स, हाई क्वालिटी डायनामिक ट्रांसमीटर कार्टेजेस, क्लियर एंड क्रिप साउंड, जो और साथ में आहूजा का वेबसाइट दिया गया है। और साइड में देखते हैं इसका, यहाँ पर भी दिया गया है इसका मॉडल नंबर। और इसके पीछे साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आहूजा के ब्रांडिंग दिया गया है, साथ में इसका मॉडल नंबर दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है क्वांटिटी वगैरह जो यहाँ पर दिया गया है, साथ में प्राइस रेट दिया गया है। तो दोस्तों अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसको फॉर्म के साथ में अच्छी तरीके से पैक किया गया है, साथ में फॉर्म के अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया गया है जो कि इसका यूजर मैनुअल के साथ में यहाँ पर दिया गया है इसका मेन बॉडी जो कि डुअल चैनल का ये है, इसको साइड में रखते हैं अभी और देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर दिया गया है दो माइक्रोफोन। दोस्तों मैंने ये पहले अनबॉक्स किया था, लेकिन आपको दिखाने के लिए अभी मैं फिर से अनबॉक्स कर रहा हूँ। दो माइक्रोफोन दिया गया है, साथ ही में यहाँ पर 9 वोल्ट का 2 बैटरीज दिया गया है जो कि माइक्रोफोन के लिए है, और यहाँ पर कुछ केबल्स दिया गया है जो इनपुट केबल्स है जो कि माइक्रोफोन के लिए अलग अलग सा है। और साथ में यहाँ पर दिया गया है एक पावर कार्ड जो कि पावर केबल जो कि हम लोग को मेन रिसीवर में हम लोग डालते हैं। तो देखते हैं रिसीवर को, अभी यहाँ पर जो है रिसीवर, तो देखते हैं दोस्तों रिसीवर कैसा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, सबसे पहले ऑन ऑफ का बटन, साथ में ये चैनल, दो चैनल का रिसीवर है। तो यहाँ पर चैनल 1 है, चैनल 2 है, और साथ में यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम बटन चैनल 1 के लिए, चैनल 2 के लिए वॉल्यूम बटन। और यहाँ पर मॉडल नंबर दिया गया है इसका AWM490V2 डुअल वायरलेस रिसीवर। देखते इसका बैक साइड में क्या है। बैक साइड में देखिए दोस्तों, दो रिसीवर एंटेना है जिसकी वजह से हम लोग अच्छी तरीके से इसका फ्रिक्वेंसी कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है एंटेना 2, एंटेना 1, और साथ में दिया गया है आउटपुट का सिस्टम, जहाँ पर 1+2 आउटपुट है। यहाँ पर अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे वो आउटपुट वाला केवल, तो यहाँ पर 1+2 दोनों चैनल के लिए काम करेगा, और साथ में ये 2 के लिए, ये 1 के लिए, और यहाँ पर जो है पावर केबल के लिए, पावर केबल है तो ये कनेक्ट होगा यहाँ पर। तो ऐसे पावर केबल कनेक्ट होगा। तो दोस्तों अभी इसका टेस्टिंग करते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, इसका टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको पावर केबल, यहाँ पर पावर केबल मैं कनेक्ट करता हूँ और ऑन करता हूँ इसको। ये हो गया ऑन यहाँ पर, और चैनल 1 चैनल 2 मैं पूरा वॉल्यूम इसका डाउन कर दिया हूँ। तो साथ में इसको करते हैं कनेक्ट यहाँ पर पीछे, मैंने बताया था अगर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं ये वाले केबल को तो दोनों चैनल काम करेगा एक ही साथ में, और ये वाला जो है इसका आउटपुट जाएगा एम्पलीफायर में या तो मिक्सर में। तो मैं अभी एम्पलीफायर में कनेक्ट करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं ये दिखाऊँगा। तो पहले इसको इसमें बैटरी फिट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस देख के हम लोग को ये इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर प्लस ये माइनस है तो हम लोग को देख के करना है। तो यहाँ पर हम लोग प्लस दिखाया है, तो इस तरीके से हम लोग बैटरी को इंसर्ट करते हैं और इसको फिर से बंद कर देते हैं, और दूसरे वाले माइक का भी करते हैं। तो ये इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गया है, तो दूसरा वाला माइक में भी मैं इंसर्ट करता हूँ बैटरी। दोस्तों ये माइक्रोफोन उतना बढ़िया तो नहीं है, फिर भी थोड़ा मोटा प्रोग्राम चलाने में काफ़ी बढ़िया होता है, तो मैं भी ये रेकमेंड करूँगा अगर आप छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हैं तो ये वायरलेस माइक्रोफोन ज़रूर लीजिए। बजट में काफ़ी बढ़िया दिया गया है आहूजा की तरफ से। तो इसका ये भी ऑन हो चुका है, तो मेरा दोनों सिस्टम ऑन हो चुका है।
तो आप जैसे ही ऑन करेंगे ग्रीन वाला बटन यानी कि चैनल टू के लिए और रेड वाला बटन जो है रेड वाला लाइट जो है चैनल वन के लिए, यहाँ पर जैसे आप माइक्रोफोन में ऑन करेंगे तो वैसे आपका यहाँ पर भी जलेगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है चैनल वन के लिए यहाँ पर ऑन हो गया, सिग्नल आ रहा है, और ये चैनल टू के लिए है, ये चैनल टू में सिग्नल आ रहा है। तो दोस्तों मैं ये अभी ये माइक्रोफोन का रिसीवर का जो आउटपुट जो जैक था ये मैं कनेक्ट करता हूँ एम्पलीफायर में। तो दोस्तों मैं अभी ये एम्पलीफायर को भी ऑन कर लेता हूँ। जैसे कि हम लोग ने पहले कनेक्ट करके रखा हूँ यहाँ पर, तो इसको कनेक्ट करते हम लोग यहाँ पर ऑक्स वन में कनेक्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है हमारा, तो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से भी ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम लोग ये जो इसका रिसीवर से आउटपुट जो आया था यहाँ पर हम लोग ऑक्स वन में कनेक्ट कर दिया है। इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा के रखा है, तो मैं यहाँ पर माइक्रोफोन में मैं ऑन करता हूँ दोनों माइक्रोफोन। पहले ये वाला माइक्रोफोन चेक करते हैं। हेलो, ये वाला माइक्रोफोन ठीक है दोस्तों, साथ में दूसरा वाला माइक चेक करते हैं। हेलो, ये वाला माइक्रोफोन भी ठीक है दोस्तों, तो एक ही साथ में दोनों माइक्रोफोन चेक करते हैं और देखते हैं इसका रेंज भी। हेलो, तो दोस्तों दोनों माइक्रोफोन काम कर रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों का सिग्नल आ चुका है, साथ में दोनों को मैंने चेक कर रहा हूँ अभी। हेलो, और जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है ये माइक्रोफोन से सुनाई दे रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आप इसका क्वालिटी पता कर सकते हैं कि कैसा क्वालिटी है इसका, जो कि वायरलेस में भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इसका डिस्टेंस कितना कवर होता है तो ये चेक करता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, करीबन भी 50 मीटर हो चुका है। तो दोस्तों करीबन भी मैं 100 मीटर दूर जाके इसका माइक टेस्टिंग किया तो काफ़ी बढ़िया रहा, 100 मीटर से भी ज़्यादा आपका इसका रिसीव करता है। तो देखिए दोस्तों ये इसका क्वालिटी आपको कैसा लगा एम्पलीफायर के साथ में, और इसका टेस्टिंग कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।